कि आपने जब फॉल्ट इन द स्टार्स रीड की थी तो आप बहुत रोए थे जब ऑगस्टस वाटर्स की डेथ हुई थी। ट्यूसडेज विद मोरी रीड की और उसके बाद आपको फील हुआ हो कि आप एक बेहतर इंसान बन गए हैं, या कोई भी और बुक रीड की और आपको फील हुआ हो कि आप जिंदगी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यकीन हुआ होगा, बिकॉज इट हैपेंस एंड इट्स नॉर्मल। मेरा नाम गाजी मिश्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक कि रीडिंग से एम्पैथी यानी एहसास कैसे जनरेट होता है। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है या भतीजे भांजे हैं तो यकीनन आपने उनके साथ छुपन छुपाई खेला होगा। मैंने खेला है। ये बच्चे इतने ऑब्वियस जगह पे छुपते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं और ऊंची आवाज में खी 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 भी कर रहे होते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ छुपे। उन्हें लगता है कि अगर हमने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और हम अपने आप को नहीं देख सकते तो कोई और भी उनको नहीं देख सकता। वो इसलिए ऐसे एक्ट करते हैं क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर सोशल कॉग्निटिव स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुए होते, जिनको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड, व्हिच सेज कि दूसरे लोगों के भी बिलीव्स और डिजायर्स इंटेंशंस होते हैं और वो हमसे अपोजिट या डिफरेंट हो सकते हैं। और ये स्किल बच्चा 4 से 5 साल की उम्र में या उससे पहले भी सीख लेता है। यही स्किल्स हैं जो उसके अंदर इन द लॉन्ग रन एम्पैथी डेवलप करते हैं। एम्पैथी क्या होता है कि दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। अब एम्पैथी को डेवलप कैसे किया जाए? पहले जैसे कि मैंने बताया, ये बच्चा नेचुरली खुद सीखता है, फिर अपने माँ बाप को देखता है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखता है और उसके बाद एम्पैथी को एक बच्चा रीडिंग से सीखता है। कुछ अर्से पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें 1000 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और उन्हें किताबें पढ़ाई गई थी, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड नो बुक्स ऑफ कोर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद उनके एम्पैथी टेस्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स, द पीपल हु रेड फिक्शन बुक्स हैड बेटर एम्पैथी स्कोर्स इन अदर ग्रुप ऑफ पीपल। एंड व्हाई नॉट, जब हम बुक्स रीड करते हैं, दूसरों की स्टोरीज को रीड करते हैं, वी टेंड टू गेट आउट ऑफ आवर ओन लाइव्स और ज़ोन्स एंड वी प्रैक्टिकली लिव द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द बुक्स। रियलाइज के लोगों के भी इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं। वी फील व्हाट द प्रोटैगनिस्ट और द मेन कैरेक्टर इज फीलिंग। वो गुस्से में आता है तो हमें गुस्सा आता है, वो उदास होता है तो हम उदास होते हैं, वो खुश होता है तो हम खुश होते हैं। स्टडी हुई थी जिसमें रीडिंग के दौरान लोगों का ब्रेन MRI किया था और उससे पता लगा था कि ब्रेन के उन पोर्शंस में भी इम्पल्सेस एलिसिट हो रही थी दैट वर नॉट रिलेटेड टू स्पीच एंड लैंग्वेज। यानी बायोलॉजिकली प्रूव हो रहा है कि आप सारे इमोशंस को खुद महसूस कर रहे हैं रीडिंग के दौरान। तो फिर ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर आप हर इमोशन खुद महसूस कर रहे हैं तो यकीनन आपके उस कैरेक्टर के लिए एहसास या एम्पैथी डेवलप हो रही है। और यही एहसास और अंडरस्टैंडिंग हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, अपनी सोशल इंट्रैक्शंस में अप्लाई करते हैं। और जिस तरह हम अपने कैरेक्टर्स का ख्याल रख पा रहे थे, उसी तरह हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखते हैं। कोई खुश होता है तो हम उसकी खुशी में शरीक होते हैं, जो कि सुन्नत है। कोई उदास होता है तो हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या मसला है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यही तो चीज़ें हैं जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं। बहन की फेवरेट मूवी का फेवरेट डायलॉग है, Violence isn't the worst thing in the world. What is then? Apathy. Opposite of empathy, absence of emotions and feelings or interest for other people. यानी बेहिस होना। रीडिंग आप में एम्पैथी डेवलप करती है और एम्पैथी आपको हम्बल यानी आजिज और डाउन टू अर्थ बनाती है। हमें बता दिया कि आप कोई 30 मार खान नहीं है, दुनिया में और भी बहुत लोग हैं, उनकी भी खुशियाँ हैं, उनके भी दुख हैं, उनके भी इमोशंस हैं, यू आर नॉट अलोन। अब आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मुझे रीडिंग के बेनिफिट्स बार बार बताने की क्या ज़रूरत है। हेट हैज़ टेकन ओवर लव। हमारे लिए बहुत आसान हो गया दूसरे को जज करना, उसकी फीलिंग्स को निगेट करना, अपनी फीलिंग्स को उसके ऊपर इम्पोज करना और उसको बगैर सोचे समझे ऐसी बात कह देना जो उसको हर्ट कर दे। लोगों की पेन और सफरिंग की अहमियत हमारे सामने ख़त्म हो गई। कोई हमारे सामने परेशान होता है, रोता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लोग दुनिया में मरते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इन द वेरी वर्स्ट सिनेरियोज़ वी मेक फन ऑफ देम। मसले का सिर्फ एक ही हल है, एहसास। इफ़ आई हैव सेड इट वंस, आई हैव सेड इट 1000 times। बेहिसी का मतलब है कि आप इंसान नहीं हैं। सो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर द पेरेंट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड टीचर्स, कि वो अपने बच्चों में रीडिंग की हैबिट को, पर्टिकुलरली फिक्शन बुक्स की हैबिट को जनरेट कराएं, ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी के साथ साथ एहसास भी डेवलप हो, ताकि वो लोग भी बड़े होकर अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कर सकें, एहसास कर सकें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस प्रोसेस में वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें।